हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब इट टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माय माय वीडियोस आई विल ट्राई लेवल बेस्ट टू गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन थ्रू माय वीडियोस सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद इट तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मर्डर ऑफ रोजर एक्रॉयट बायाथा क्रिस्टी इस नॉवल की समरी एनालिसिस और थीम्स और इससे पहले वाली वीडियो में हमने सारे मेन कैरेक्टर्स माइनर कैरेक्टर्स और इंट्रोडक्शन टू दी नावल एंड इंट्रोडक्शन टू दी ऑथर ये सब डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम करने वाले हैं समरी एनालिसिस एंड थीम्स तो यहाँ पे इस वीडियो में हम अब मेन कैरेक्टर्स नहीं देखेंगे कि कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं क्योंकि वो हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं सारे मेन कैरेक्टर्स तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अब कहानी को शुरू करते हैं तो इस नॉवेल को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है कि क्या कहानी इसमें होने वाली है ठीक है तो इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं एक मर्डर मिस्ट्री जिसमें कि एक डिटेक्टिव है और इसमें इन्वॉल्व हैं बहुत सारे लोग कि किस तरीके से उसका मर्डर हुआ या फिर उसने सुसाइड किया क्या किया तो हम उसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे राइट ओके सो नाउ फाइनली लेट्स बिगिन दिस समरी और यू कैन से एनालिसिस राइट हम दोनों को मिक्स करके ही चलते हैं अभी समरी और एनालिसिस को The story begins on Friday morning when the narrator, Doctor James Shepard, tells us that Mrs. Ferrars has committed suicide by overdosing on veronal a sleeping distraught. ये कहानी किस तरीके से शुरू हो रही है जो हमारे नैरेटर हैं और इस पूरे नावल में इनका क्या पार्ट है कि वो एक डॉक्टर है डॉक्टर जेम्स शैपर्ड तो ये नैरेटर भी हैं यही हमें कहानी सुना रहे हैं और कहानी के शुरुआत में ही इन्होंने हमें बता दिया है कि जो मिसेस फरार्ज हैं उन्होंने सुइसाइड कर लिया और उसका रीज़न क्या है कि जो एक दवाई हम उसको ड्रग बोल सकते हैं वेरनल एक ड्रग होता है तो मिसेज फरार्स इसके एडिक्टेड थी बहुत ज़्यादा इसलिए फिर उन्होंने सुइसाइड कर लिया शेपर्ट्स ओल्डर सिस्टर कैरेन इज ऑलरेडी अवेयर ऑफ द न्यूज़ वेन ही कम्स बैक होम अब देखो जो शेपर्ट की सिस्टर है बड़ी सिस्टर है कैरेन उसको ये बात शेपर्ट से पहले ही पता थी तो जब उन्होंने बताया अपनी सिस्टर को तो उसने बताया कि मुझे तुमसे पहले ही ये बात पता है कैरेन हैड ऑलवेज मेनटेन्ड विदाउट एनी फाउंडेशन फॉर इट दैट मिसिस फरार्ज हैड अक्यूट गैस्ट्रीट टेस्ट अब यहाँ पे जो कैरेन है वो खुद से ही अज्यूम कर लेती है कि जो मिसेस फरार्ज थी उनको क्या था गैस था यानी जो पेट में स्टमक में सूजन हो जाती है वो थी तो शायद क्या पता उन्होंने इसकी वजह से सुइसाइड कर लिया हो हालांकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कोई सबूत नहीं है बट शी इज स्टिल अज्यूमिंग कि क्या रीजन हो सकता है शी थियोराइजेज दैट मिसेज फरार्ज प्रबलिकी वॉज ओवरकम विध रिमोस आफ्टर किलिंग हर हजबैंड अब यहाँ पे वो बताती है अपने ब्रदर को कि क्या पता मिसेस फरार जो हैं उन्होंने सुसाइड इसलिए कर लिया हो क्योंकि उनको पछतावा हो रहा था कि उन्होंने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया यानी अब कैरलिन जो है देखो फिर से अज्यूम कर रही है अंदाज़ा लगा रही है कि उसने क्यों सुसाइड किया क्योंकि क्या पता वो शायद पछता रही हो कि उसने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया क्योंकि जो मिसेस फ़रार्ज हैं उनके इस सुसाइड से एक साल पहले ही उसने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया और इसी के पछतावे के साथ उन्होंने शायद अब सुसाइड भी कर लिया शैपट सजेस्ट दैट अ वुमेन हु कैन किल हर हस्बैंड इन कोल्ड ब्लड प्रोबली इज एन केपेबल ऑफ रिमोर्स अब शैपट क्या बोलते हैं अपनी सिस्टर को कि ऐसी औरत जो अपने पति को ही मार दे अपने पति का ही मर्डर कर दे वो कभी पछता ही नहीं सकती है मतलब उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि उसने इतनी निर्दयता के साथ उसका मर्डर कर दिया तो अब उसमें वो हो ही नहीं सकती वो चीज़ कि अब वो पछताए कैरलिन प्रम्प्टली रिप्लाईज मिसिज फरार्स वॉजेंट दैट काइंड एंड प्रूम दैट शी प्रब्लिक गिल्ड हर हस्बैंड अब कैरलिन अपने भाई को रिप्लाई करती है एकदम से कि नहीं जो मिसेज फरार थी वो इस तरह की औरत नहीं थी पर क्या पता उसने अपने हस्बैंड को मारा हो ठीक है एशले फ़रार्स बिकॉज शी सिम्पली कूडेंट एंड्योर सफरिंग एंड अनप्लीजेंटनेस ऑफ एनी काइंड अब एश्ले फ़रार्ज कौन है मिसेज फरार के हस्बेंड जिसको कि मिसेस फराज़ ने अपने हाथों से ही एक साल पहले मार दिया और क्यों मारा अब यहाँ पे फिर से ये अज्यूम कर रही है क्योंकि वो उस तरह की लेडी नहीं है वो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती है जो भी अनप्लीजेंटनेस है किसी भी तरीके का वो बर्दाश्त नहीं करती है तो इसलिए शायद मिसेज फराज ने एसले फराज का मर्डर कर दिया हो एंड सिंस देन शी हैड बीन लिविंग विद द गेल्ट ऑफ द एक्ट और क्या पता तब से ही वो इसमें गिल्ट में जी रही हो और अब उसने फाइनली एक साल बाद अपना सुइसाइड कर लिया वेन शेपर्ड प्रोटेस्ट हर प्रीजम्पन्स कैरेन शर्ट सेम अप बाय सेंग दैट शी इज श्योर देर इज अ लेटर वेयर दैट कन्फेसिस टू द होल थिंग अब जिस तरीके से जो शैपर्ड हैं वो अपनी सिस्टर की बातों का मतलब जो जो वो अंदाज़ा लगाए जा रही है कि नहीं इस तरह की लेडी नहीं है उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा पर क्या पता शायद कर दिया होगा तो इन सारी बातों का विरोध कर रहे हैं कौन डॉक्टर शैपर्ड जो कि उसके भाई हैं लेकिन यहाँ पर कैरलिन जो है वो बड़ी सिस्टर है तो इसलिए वो उसको चुप करा देती है और क्या कहती है कि ये बात तो है कि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई लेटर तो छुपा हुआ होगा जिसमें इन सारी बातों को लिखा गया होगा जिसमें कन्फेशन किया गया होगा ठीक है देअर आर टू हाउसेज ऑफ इंपॉर्टेंस इन द विलेज किंग्स पैडॉक रेजिडेंस ऑफ द फरार्स एंड फर्नली पार्क बिलोंगिंग टू द रोजर एक अब इस पूरी जो भी नॉवल है इसमें दो मेन घर हैं ठीक है कौन कौन से किंग्स पैडॉक जो कि किसका है मिसज फरार्स का घर है और फर्नली पार्क जो कि रोजर एक्रॉइड का घर है रोजर एक्रॉयड हैड मैरिड अ मच ओल्डर वुमेन हु ड्रैंक हरसेल्फ टू डेथ फोर ईयर्स इन टू द मैरिज अब देखो जो रोजर एकड है उन्होंने अपने से बड़ी उम्र की औरत से शादी करी थी जिनकी अब डेथ हो चुकी है चार साल पहले एंड ही नेवर मैरिड एंड ब्रॉट अप हिज स्टेप्स एंड राल्फ पैटर्न फ्रॉम हिज वाइफ्स फर्स्ट मैरिज एज हिज ओन सन और जब रोजर एकड की जो वाइफ थी जो कि उनसे बड़ी थी एज में जब वो मर गई तो उन्होंने दोबारा शादी नहीं की और उनके जो स्टेप्सन थे यानी उनकी वाइफ के जो पहले वाले हस्बैंड थे उनके बेटे थे तो उन्होंने उसको अपने बच्चे की तरह संभाला यानी जो स्टेपसन है उसका नाम है राल्फ पैटन तो ये उनकी बीवी के जो पहले हस्बैंड थे उनका बेटा है यानी वो उनके सौतेले बेटे हैं ठीक है ठेके? राल्फ पैटन पर फिर भी वो उनको अपने बच्चे की तरह पालते हैं तो अभी तक हमने दो चीज़ देखी जो मिसेस फरार्स है वो एक विडो थी और यहाँ पे जो रोजर एकड है ये एक विडोअर है यानी दोनों के ही पार्टनर्स नहीं हैं एक्रॉइड्स हाउस होल्ड कम्प्राइज इज डेड ब्रदर्स वाइफ मिसेस मिसेज सिसिल्रॉयड एंड डॉटर फ्लोरा एकड द हाउस कीपर मिस रसल एंड अ सेक्रेटरी नेम्ड जॉफ्री रेमंड अब देखो ये जो रोजर Ackroyd है ये बहुत ज़्यादा वेल्दी बिजनेस मैन है और बहुत अमीर है इनके पास बहुत बड़ा सा घर है और इस घर में कौन कौन से लोग रहते हैं एक्रॉइड्स ब्रदर्स वाइफ यानी एक्रॉयड के जो भाई हैं उनकी पत्नी जिनका नाम है मिसेस सीसिल और उसकी बेटी यानी फ्लोरा एक्रॉयड और फ्लोरा एकड कौन है उसकी नीस एक्रॉयड रोजर एक्रॉयड की नीस और उसके घर में कौन कौन रहता है द हाउस कीपर यानी जो भी उनके नौकर हैं यानी मिस रसल और एक सेक्रेटरी जिसका नाम है जॉफरी रेमंड यानी इसके घर में कौन कौन रहते हैं देखो एक तो रोजर एक्रॉयड खुद रहते हैं और उनकी भाई की जो पत्नी है यानी उनके भाई अब मर चुके हैं ठीक है ठीके? नहीं है तो उनकी पत्नी रहती है और उसकी बेटी रहती है तो यहाँ पर उनकी भतीजी और सिस्टर इन लॉ वो दोनों रहते हैं और बाकी सारे सर्वेंट्स रहते हैं घर में द लेटेस्ट विलेज गॉसिप हिंट्स एट अ पॉसिबल एंगेजमेंट बिटवीन मिसेस फरार्ज एंड एकड अब पूरे गांव में एक बात फैली हुई है कि जो मिसेस फरार्ज हैं और रोजर एक्रॉइड हैं इन दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है ये दोनों शादी करने वाले हैं ठीक है क्योंकि मिसेस फरार्ज के जो हस्बैंड थे उनको तो इसने खुद ही मार दिया उसका मर्डर कर दिया और जो रोजर एक्रॉयड है उनकी वाइफ नहीं है तो अब यहाँ पर पूरे गाँव में बात चल रही है कि ये दोनों एंगेजमेंट करने वाले हैं शेपर्ड वंडर्स इफ़ मिसिज़ फ़रार्ज हैड इन डीड कमेटेड सुइसाइड अब यहाँ पर जो डॉक्टर शेपर्ड हैं वो चौंक जाते थे कि क्या उन्होंने सच में सुइसाइड ही किया है या फिर कुछ और रीज़न है मिसिज फ़रार्ज के मरने का ही रिम्बर्स सींग हर द डे बिफोर डीप इन कॉन्वर्सेशन विद राल्फ पैटर्न अब उनको ये बात याद आती है कि उन्होंने मिसिज फरार्ज को एक बार देखा था बहुत डीप कॉन्वर्सेशन कर रही थी वो राल्फ पैटन के साथ राल्फ पैटर्न कौन है रोजर एक्रॉयड के स्टेपसन This surprises him because Ralph has not visited King's Abbot ever since he quarrelled with his father six months ago. He finds the sight of the two in conversation strange and premonitory. अब उसको जो डॉक्टर शेपर्ड है उनको ये बात बहुत अजीब लगी strange लगी और फिर ऐसा लग रहा था कि वो लोग आपस में एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं ठीक है Just then he runs into a croid who looks distressed and wants to speak to him. अब तुरंत वो वहाँ से भाग के किसके पास गए एक्रॉयड के पास गए शैपर्ड जो है वो एक्रॉयड के पास गए जो कि बहुत डिस्ट्रेस लग रहे थे चिंतित लग रहे थे और वो भी बात करना चाह रहे थे डॉक्टर एंड देन द डॉक्टर आस्क इफ इट्स रिगार्डिंग राल्फ तो जब वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस लग रहे थे तो फिर शेपर्ड ने एक्रॉयड से पूछा कि क्या ये सारी बातें उनके बेटे के बारे में है एक्रॉयड इज़ कन्फ्यूज एंड टेल्स हिम दैट राल्फ हैजेंट कम डाउन टू द विलेज फ्रॉम लंडन फॉर सिक्स मंथ्स नाउ तो अब यहाँ पे जो एकड है उनको बताते हैं कि जब लड़ाई हो गई थी छः महीने पहले तो उसके बाद से राल्फ पैटर्न अब एक बार भी गांव में नहीं आया है तो अब कुछ दिनों बाद फिर से ये लोग आपस में मिलते हैं एंड देन एकडड इन्वाइट हिम टू डिनर एट सेवन थर्टी पी एम एंड स्लिप्स अवे ऑन सींग मिसेस गैनेट अप्रोचिंग दैम अब यहाँ पे कुछ दिनों बाद ही डिनर पे इनवाइट करते हैं जेम्स शेपर्ड को कौन रोजर एक्रॉइड और वो उनके घर में जाते हैं सेवन थर्टी पी एम में मतलब वो लोग जो भी डिनर कर रहे होंगे तो वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर को भी बुलाया और मिसेस गैनेट जो है वो उनकी सर्वेंट है घर में ही काम करती हैं ठीक है तो वो भी उनके पास आई टू शेपर्ड शी इंक्वायर्स इफ़ मिसेस फ़राज टुक ड्रग्स एंड वेदर दैनगेजमेंट बिटवीन हर एंड मिस्टर एक्रॉयड वॉज ब्रोकन ऑफ तो फिर मिसेस गैनेट जो है वो शेपर्ड के पास आती हैं और फिर पूछताछ करने लग जाती है कि जो मिसेस फ़रार्ज हैं उनका जो अ, मर्डर है या फिर सुसाइड है वो किस तरीके से हुआ कि क्या वो ज़्यादा ड्रग की वजह से हुआ या फिर उसका रीज़न कुछ और है कि क्या जो एंगेजमेंट फिक्स हुई थी वो टूट गई किसके एंगेजमेंट रोजर एकड की और फरार्स की तो क्या वो एंगेजमेंट टूट गई और क्या रीज़न है ठीक है जो भी उन्होंने सुइसाइड किया उसके पीछे क्या रीज़न है वो पूछने आई शेपर्ड से एट हिज क्लिनिक लास्ट पेशेंट शी टेल्स हिम दैट शी केम टू गेट हर नी इंस्पेक्टेड बट शेपर्ड सस्पेक्ट शी इज देयर टू इंक्वायर अबाउट द सुइसाइड अब देखो जो डॉक्टर शेपर्ड है उनके क्लिनिक में लास्ट एक ही पेशेंट थी वो कौन थी मिस रसल और रसल कौन है उनकी सर्वेंट है रोजर एकड की सर्वेंट है और वो जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं खाना खा रहे होते हैं तो वहाँ पे आती है और क्या बहाना लेके आती है कि वो अपने घुटनों को दिखवाने आई है यानी उसके घुटने में कुछ प्रॉब्लम है तो वो इसलिए आई है लेकिन जो शेपर्ड हैं उनको शक होता है कि नहीं वो उसके लिए नहीं आई है बल्कि इंक्वायरी के लिए आई है कि सुइसाइड जो है वो किस तरीके से हुआ ताकि उसको कुछ पता लग सके हाउ एवर शी इज इंटरेस्टेड इन द सुइसाइड दे टॉक अबाउट ड्रग्स पॉइजन एंड फाइनली अबाउट डिटेक्टिव स्टोरीज अब भले ही देखो क्योंकि उसका कुछ इंटरेस्ट नहीं था कि वो सुसाइड के बारे में जाने वो ऐसे ही आई थी क्योंकि बातें बनाने में सब बहुत तेज हैं इस नॉवल में ठीक है तो इसलिए इसको भी कूदना था बीच में जाना था कि जो रीज़न है वो क्या है ड्रग के बारे में फिर उन्होंने बात करनी शुरू कर दी पॉइजन के बारे में और उसके बाद डिटेक्टिव स्टोरीज के बारे में वन शपर टेल्स हिज सिस्टर अबाउट द डिनर एट फर्नली पार्क शी इज़ एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट तो फिर जब शैपड़ अपने घर आए तो फिर अपनी सिस्टर को उन्होंने बताया कि वो फर्नली पार्क गए थे किस लिए डिनर के लिए अब फर्नली पार्क कोई गार्डन का नाम नहीं है किसके घर का नाम है रोजर एक्रॉयड के घर का नाम है शी इज़ एक्साइटेड अब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई ये बात सुन के कि वो रोजर एकडड से मिल के आए हैं क्योंकि अब देखो यहाँ पे सुसाइड की बात चल रही है अब सब एक दूसरे से रिलेटेड है तो इसको लग रहा है कि इसको भी जाने का मौका मिलेगा रोजर एकडड के घर पे और फिर ये भी सब कुछ तलाशी करेगी यानी जानने की कोशिश करेगी हर चीज़ों को क्योंकि इसका भी बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है इन सारी चीज़ चीज़ों को डिटेक्ट करने में फ्रॉम हर ही फाइंड्स आउट दैट राल्फ इज़ अ स्टेइंग एट द लोकल इन द थ्री बोर्स तो जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते दोनों भाई बहन कैरेन और शेपर्ड तो फिर शेपर्ड को पता चलता है कि जो राल्फ पैटर्न है यानी स्टेपसन है किसके रोजर एकड के वो कहाँ रुके हुए हैं अभी लोकल इन में जिसका नाम है द थ्री बोर्स The young man had reportedly stayed at the night yesterday and was seen going out with an unknown woman. और यहाँ पे एक यंग मैन है जो कि बताता है शेपर्ड को कि राल्फ पैटर्न जो है वो एक दिन पहले यानी कल ही किसी अनोन वुमेन के साथ उस इन से बाहर निकल के चला गया यानी द थ्री बोर्ड से बाहर चला गया किसी अनोन वुमेन के साथ उस यंग मैन को भी नहीं पता है ठीक है इट डजेंट सरप्राइज शैपर्ड दैट ही वॉस आउट विद अ वुमेन और ये बात उसको अजीब भी नहीं लगी कि राल्फ पैटर्न किसी औरत के साथ बाहर घूम रहा था देन Caroline thinks it was Flora Ackroyd and presumes that they are secretly engaged and meets Sub Rosa to avoid Roger Ackroyd. This sub proofal. अब देखो यहाँ पे Caroline जो है फिर से अंदाजा लगाने लगी क्या कि वो जो lady है जिसके साथ Ralph Patton बाहर घूम रहा है वो unknown lady कौन है Flora Ackroyd यानी Ackroyd की भतीजी है और ये दोनों आपस में घूम रहे हैं इधर उधर छुप के घूम रहे हैं कहाँ मिल रहे हैं सब रोज़ा में किस लिए ताकि रोजर एकड जो है वो गुस्सा ना करने लगे इसलिए क्योंकि जो राल्फ पैटर्न है वो उनके सौतेले बेटे हैं और जो फ्लोरा एकडड है वो उसकी भतीजी है दे ऑल्सो टॉक अबाउट देयर न्यू नेबर्स इन द कॉटेज नेक्स्ट डोर और फिर वो दोनों आपस में बातें करते हैं अपने नए पड़ोसी के बारे में जो कि उनके घर के बगल में ही रहते हैं यानी पड़ोस में ही रहते हैं बिल्कुल टच में ओके सो सुनाओ चलो हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं हम डिस्कस करते हैं कि अभी तक हमने क्या समझा ठीक है तो यहाँ पे ये कहानी किस तरीके से शुरू हुई कि एक मिसेस फरार्स हैं जो कि लोकल लेडी है इस गांव में रहती हैं और थोड़ी वेल्दी वुमेन है ठीक है और इनका हस्बैंड नहीं है क्यों क्योंकि इन्होंने अपने हस्बैंड को खुद ही अपने हाथों से मार दिया और रीजन हमें नहीं पता कि किस लिए मारा अब यहाँ पे जो लोग हैं वो अज्यूम कर रहे हैं कि जो मिसेस फरार्स हैं वो किस तरह की लेडी हैं कि मतलब वो कभी भी किसी का भी डिसरिस्पेक्ट को सहती नहीं है और जो उनके हस्बैंड थे वो शायद वायलेंट थे इसलिए उन्होंने उनका मर्डर कर दिया और फिर मर्डर करने के बाद अब उनके अंदर एक गिल्ट है एक रिमोर्स है एक पछतावा है कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपने हस्बैंड को मार दिया है तो इसलिए अब एक साल बाद उन्होंने खुद का भी सुइसाइड कर लिया अब सुइसाइड का जो रीज़न है हमें वो भी नहीं पता कि बहुत ज़्यादा जो वो ड्रग लेती थी ड्रग एडिक्ट थी उसकी वजह से उन्होंने सुइसाइड किया या फिर कुछ और रीज़न है तो मिसेज फराज ने सुसाइड किया और उसने अपने हस्बैंड का मर्डर किया ये दोनों बातें कौन कर रहे हैं ये जो भाई बहन है कैरलिन शैपर्ड और डॉक्टर जेम्स शैपर्ड ये दोनों बातें कर रहे हैं अंदाजा लगा रहे हैं आपस में और यहाँ पे जो डॉक्टर जेम्स शेपर्ड हैं वो थोड़े से शांत स्वभाव के हैं और जो उनकी बड़ी सिस्टर है कैरलिन ये बहुत ज्यादा छानबीन करने में रहती है और इसका जो माइंड है वो डिटेक्टिव माइंड है यानी हर चीज का पता लगा लेती है या फिर अज्यूम करने लग जाती है कुछ भी कि ऐसा हुआ होगा या फिर ऐसा हुआ होगा इस तरीके से और फिर हम आगे देखते हैं कि जो रोजर एक है और जेम्स शेपर्ड है ये दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं और जो रोजर एक है वो अपने घर पे फर्नली पार्क में इनवाइट करते हैं डिनर पे किसको को डॉक्टर जेम्स शैपर्ड को उसके बाद इनकी आपस में बातचीत होती है राल्फ पैटर्न को लेके जो एकड होते हैं वो थोड़े चिंतित होते हैं क्योंकि वो छः महीने से घर पे नहीं आए यानी किंग्स अबाउट विलेज में ही नहीं आया जब से उन दोनों की थोड़ी बहस हुई थी ठीक है किसकी रोजर एक्रॉयड की और राल्फ पैटर्न की तो ये लोग आपस में बातचीत करते हैं और फिर ये सारी बातें जो भी होती हैं इनके घर पर डिनर के टाइम पर वो सब फिर अपने घर पर आके जो डॉक्टर जेम्स शैपर्ड है वो कैरलिन से बोलते हैं तो यहाँ तक अब हमने देखा और अब यहाँ पे इनकी मुलाकात एक नए कैरेक्टर से होती है किससे होती है पायरेट से होती है जो कि उनके पड़ोस में ही रहते हैं अब हम स्टार्ट करते हैं कैरेन हैज़ बीन अनसक्सेसफुल इन फाइंडिंग आउट मच अबाउट हिम एक्सेप्ट दैट ही इज़ अ foreigner नेम्ड पायरेट अब क्योंकि देखो हमें पता है जो कैरोलिन है इसका नेचर किस तरीके का है बहुत ज़्यादा डिटेक्टिव है इसको हर चीज़ पता लगानी होती है लेकिन यहाँ पे जो पायरेट हैं यानी उनके बारे में इसने कुछ भी पता नहीं लगा पाई है अनसक्सेसफुल है उसके बारे में पता लगाने में ये जो नए नेबर हैं कौन पायरेट क्योंकि जो कैरलिन है वो इनके बारे में सिर्फ इतना ही पता लगा पाए कि वो फॉरेनर हैं और उनका नाम क्या है पायरेट है शेपर्ड सस्पेक्ट्स हेम टू बी अ रिटायर्ड हेयर ड्रेसर अब शेबर्ड तुक्का लगा रहे हैं ऐसे ही उनको देख के कि वो शायद एक रिटायर हेयर ड्रेसर हैं जो कि अब हमारे गांव में शिफ्ट हो गए हैं ही मीट्स पायरेट वाइल्ड वॉकिंग इन इज गार्डन और ये कब मिलते हैं पायरेट से जब वो अपने गार्डन में काम कर रहे हैं ठीक है थीके? तो फिर इनकी बातचीत होती है एंड देन पायरेट टेल्स हिम अबाउट हिज बोरिंग रिटायर्ड लाइफ एंड मैंशंस मिसिंग हिज फ्रेंड हैस्टिंग हु हैज़ लेफ्ट टू अर्जेंटीना अब जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं शेपर्ड और पायरेट तो पायरेट उनको बताते हैं उनकी बोरिंग लाइफ के बारे में कि जब वो रिटायर हो गए उसके बाद जो अब वो ज़िंदगी जी रहे हैं बहुत ज़्यादा बोरिंग है फ्रस्ट्रेटिंग है और फिर वो बताते हैं कि वो अपने एक फ्रेंड को हैस्टिंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं जो कि अब अर्जेंटीना में रहता है एंड देन शेपर्ट टेल्स हिम दैट ही हैज़ ऑलवेज वॉन्टेड टू ट्रैवल अब वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं तो अपनी कुछ खूबियाँ बता रहे हैं अपनी कुछ इच्छाएं बता रहे हैं तो शेपर्ट भी बोलते हैं कि उनका भी मन था कि वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करें He apparently had the opportunity to do so last year after inheriting a legacy, but he gambled it away. और फिर वो बताते हैं शबर्ड उनको पायरेट को कि उनका मन है पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करने को और ऐसा उनको मौका मिला भी था कि वो ये सब कर सकें लेकिन उन्हें क्या किया उन पैसों को उड़ा दिया गैम्बलिंग में यानी जो जुआ खेलते हैं ना उस तरीके से इन्होंने उन सारे पैसों को उड़ा दिया तो अब वो नहीं कर पाए नहीं ट्रैवल कर पाए

दिस बुक फीचर्स द फेमस बेल्जियम डिटेक्टिव हरक्यल पायरेट अब ये जो नावल हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हमें जो बेल्जियम फेमस बेल्जियम डिटेक्टिव हैं यानी हरक्यल पायरेट के बारे में बहुत सारी खूबियाँ हमें अब पता लगने वाली हैं अब ये जो मर्डर मिस्ट्री है ये इनके थ्रू ही सॉल्व होने वाला है हरक्यल पायरेट के थ्रू इन द नावल एट दिस स्टेज ही हैज रिटायर टू द कंट्री साइड फ्रॉम लंडन ग्रोइंग वेजिटेबल्स मैरोज अब इस नावल में इनका क्या रोल है कि मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस नावल में ये रिटायर हो चुके हैं अपने काम से यानी जो ये डिटेक्टिव हैं अब नहीं रहे ठीक है पहले इनका काम था ये करने का लेकिन अब वो अपनी जॉब से रिटायर हो चुके हैं और कहाँ आ गए हैं किंग्स अबाउट विलेज में रहने के लिए ही फाइंड्स दिस लाइफ स्टाइल फ्रस्ट्रेटिंग एंड डिस्ट्रैक्टेड बाय अ सुसाइड इन द विलेज अब देखो क्योंकि ये पहले एक डिटेक्टिव थे यानी इनका काम था पूछताछ करना चीज़ों को जानना मिस्ट्री सॉल्व करना रिजॉल्व करना लेकिन अब ये रिटायर हो चुके हैं तो इनकी लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बहुत फ़र्क है इन दोनों लाइफ में कि एक डिटेक्टिव की लाइफ में और एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में तो पहले ये डिटेक्टिव थे और अब नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है फ्रस्ट्रेटेड लाइफ हो गई है इनकी लेकिन इनका ध्यान जो है वो डिस्ट्रैक्ट हुआ अब क्यों क्योंकि अब इनके विलेज में एक घटना हो गई है कौन सी मिसेस फराज ने सुसाइड कर लिया तो अब इनको थोड़ी राहत मिली है कि चलो कुछ ऐसा काम तो हुआ जहां पे अब ये डिटेक्ट कर सके दिस स्टोरी इज टोल्ड बाय डॉक्टर ऑफ द विलेज डॉक्टर जेम्स शेपर्ड पायरेट अब देखो ये स्टोरी हमने शुरू में ही देख लिया था कि कौन नरेटर है इस नॉवेल का डॉक्टर जेम्स शेपर्ड ठीक है यही हमें ये पूरी कहानी सुना रहे हैं जो कि पायरेट के पड़ोसी भी हैं उनके घर के बगल में ही रहते हैं बिगिन विद द मर्डर ऑफ अ लोकल लेडी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग मर्डर्ड हर हजब अ ईयर अगो बट दिस वॉज नेवर प्रूव्ड प्लानिंग टू बी मैरिज टू अ वेल्दी बिजनेसमैन मिस्टर रोजर एक्रॉय और ये जो पूरी कहानी है किस तरीके से शुरू होती है कि एक लोकल लेडी है मिसेज फराज जिसने सुइसाइड कर लिया है और अपने हसबैंड को एक साल पहले ही मार दिया है लेकिन ये बात प्रूफ नहीं हो पाई है किसी को भी सबूत नहीं मिला कि कौन सी बात सच है और कौन सी बात झूठ है और क्या प्लानिंग कर रहे थे ये दोनों मिसेस फरार्स और रोजर एक्रॉइट दोनों आपस में शादी करने की सोच रहे थे ही लिव्स इन अ लार्ज हाउस विद हिज सिस्टर इन लॉ नीस एंड लॉर्ड्स ऑफ सर्वेंट्स हमने ये भी डिस्कस किया कि जो मिस्टर रोजर एक्रॉइड है वो किसके साथ रहते हैं जो उनकी सिस्टर इन लॉ है यानी उनके ब्रदर की वाइफ हैं वो हैं उनकी नीस है और बहुत सारे सर्वेंट्स हैं जो कि इनके बड़े से घर में रहते हैं ही हैज़ अ स्टेपसन राल्फ पैटन विजिट्स फ्रिक्वेंटली अब इनका एक बेटा है स्टेप्सन है जो कि उनके घर आता जाता रहता है लेकिन अभी लड़ाई हो गई है छः महीने पहले से तो इसलिए वो गाँव में नहीं आया किंग्स अबाउट विलेज में अभी तक नहीं आया हैज़ अ गुड रिलेशनशिप विद हिम एंड अनाउंसड द एंगेजमेंट ऑफ राल्फ पैटन एंड हिज नीज फ्लोरा एन्जॉयज अ मील विद फैमिली एंड सेलिब्रेट एंड हैव लॉन्ग चैट विद हिज ओल्ड फ्रेंड्स एंड कॉन फ्रेंड डॉक्टर शेफर्ड अब इनका जो बेटा है स्टेपसन जो है राल्फ पैटर्न इनकी कभी कभी बहस हो जाती है लेकिन इनका जो रिलेशन है जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है ठीक है तो राल्फ पैटर्न जो है ये एकदम से नहीं जाके बोलते हैं ये सिर्फ अनाउंसमेंट करते हैं इंगेजमेंट की किसकी राल्फ पैटर्न की और फ्लोरा की यानी अपने स्टेपसन और उनके नीस की एंगेजमेंट कराने की सोचते हैं और फिर इसी के एंगेजमेंट के इसी मौके पे ये अपने घर पे किसको बुलाते हैं डॉक्टर शेपर्ड को तो अभी जो हमने पढ़ा कि वो अपने घर पे इनवाइट करते हैं 7:30 पीएम पे तो ये वही ओकेजन है जब दोनों मिलते हैं रोजर एक्रॉयड और शेपर्ड मिलते हैं आपस में बहुत सारी बातें करते हैं ठीक है ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन हीस दैट समन हैड बीन ब्लैक मेलिंग एंड शी रॉट अ लेटर बिफोर द डेथ टू शेयर द नेम ऑफ द ब्लैक मेलर अब जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कौन दोनों डॉक्टर शैपर्ट और रोजर एकड जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं क्योंकि ये दोनों फ्रेंड्स हैं तो रोजर एकड रिवील कर देता है ये चीज़ कि जब मेरी मिसेस फरार से बात हुई थी तो उसने मुझे एक लेटर दिया था और उस लेटर में उसने ब्लैक मेलर का नाम लिखा था जो उसको ब्लैक मेल कर रहा था लेकिन अभी तक वो लेटर उसने खुद पढ़ के खुद खोल के नहीं पढ़ा है वो लेटर अभी तक रखा ही हुआ है देन डॉक्टर Shepherd returns होम आफ्टर डिनर एंड receives अ फोन कॉल from एकरायड बटलर टू से दैट एकड हैड बीन फाउंड मर्डर्ड अब देखो जैसे ही ये डिनर करके वापस आते इनकी बहुत अच्छी बातचीत हो गई डिनर करके जब जैसे ही जेम्स शेपर्ड डॉक्टर जो हैं वो घर आए तो उनको तुरंत एकड के घर से कॉल आया उनके बटलर ने कॉल किया कि जो एकड है वो मर चुके हैं यानी उनकी डेथ हो चुकी है अब इनके बटलर ने कॉल इसलिए किया इनको क्योंकि एक तो ये अच्छे दोस्त हैं और डॉक्टर भी हैं इसलिए इनिशियली नो वन हैज़ रियलाइज दैट द मास्टर इज़ डेड When Shepard ब्रेक्स into the द स्टडी ही फाउंड किल्ड अब देखो शुरू शुरू में तो सबको लग रहा था कि वो सिर्फ बेहोश हो गए होंगे उनके चक्कर आ गया होगा लेकिन जब वहाँ पर जेम्स शेपर्ड आए और उन्होंने चेक किया तो फिर उन्होंने बताया कि वो अब नहीं रहे वो मर चुके हैं अब की सस्पेक्ट इज राल्फ पैटर्न हु इज़ इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड डिस जस्ट आफ्टर द मर्डर अब देखो अब वहाँ पे घर में डेथ हो चुकी है तो की सस्पेक्ट यानी जो मेन शक किस पे बन रहा था राल्फ पैटर्न पे क्योंकि उसको फाइनेंशियली यानी पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और वो घर छोड़ के चला गया रिसेंटली ही गया है फ्लोरा टर्न्स टू पारेट टू आस्क फॉर हिज हेल्प और फ्लोरा जो है वो हरक्य पारेट के पास जाती है उसके हेल्प के लिए देन पुलिस बिलीव दैटेड द मर्डर बिफोर अब देखो घर में यहाँ पे मर्डर हुआ है और क्योंकि वो सौतेला बेटा भी है स्टेपसन भी है तो इसलिए सबको लगता है कि उसी ने किया है क्योंकि जैसे ही मर्डर हुआ और ये वहां से भाग गया तो पुलिस को भी पूरा शक इसी के ऊपर है कि इसी ने मर्डर किया और वो वहां से तुरंत भाग गया देयर आर नंबर ऑफ अदर लीड्स दैट पायरेट वॉन्ट्स टू फॉलो अप फॉर एग्जाम्पल theft of 40 pounds from Ackroyd's bedroom appearance of mysterious man seen by dr shepherd at the gate around the time of the murder dismissal of parlor maid good worker but no one could understand why would be asked to leave अब देखो यहाँ पे एक चीज समझनी है जो पुलिस है उसको तो पूरा शक है राल्फ पैटर्न पे पर यहाँ पे जो हमारे मेन डिटेक्टिव है जो कि हरक्यूल पायरेट है अब इनको देखो क्या-क्या चीजें हो गई हैं यहाँ पे उनके मर्डर के बाद जो एकड है मिस्टर मक्रॉयड है उनके बेडरूम से फोटी पाउंड्स की चोरी हो गई है ठीक है पाउंड्स यानी करेंसी ठीक है फोर्टी पाउंड्स की चोरी हो गई है और जब उनका मर्डर हुआ था तो डॉक्टर जेम्स शैपर ने किसी मिस्टीरियस आदमी को देखा था उनके घर के पास तो वो मिस्टीरियस आदमी कौन था और फोर्टी पाउंड्स की चोरी किसने करी और रिसेंटली में ही उनकी जो पार्लर मेड थी उर्सूना ने उसने जो है वो जॉब क्विट कर दी यानी वो भी अपना जॉब छोड़ के जा चुकी है तो ये सारी चीजें हैं जो कि अब हरकुल पायरट को पता करनी है कौन कौन सी चीज़ें पहला कि फोर्टी पाउंड्स की चोरी किसने की है और जो मिस्टीरियस आदमी है जो मर्डर हुआ तो वो आदमी कौन था वहां पे और तीसरी चीज जो पार्लर मेट थी उर्सूला बोर्ड ने उसने जॉब को क्यों छोड़ दिया या फिर वो क्यों चली गई क्योंकि हमें रीजन नहीं पता क्योंकि वो बहुत अच्छी वर्कर थी तो रोजर एक्रोड भी उनको क्यों जाने के लिए कहेंगे या फिर उसने खुद अपनी मर्जी से क्यों छोड़ा यानी जो मर्डर हुआ है इसमें इसकी भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है इसलिए इसने एक जॉब छोड़ दी तो शक है लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता कुछ भी क्लियर नहीं है तो अब इन सारी चीज़ों को ही हरकिल पायरट जो है वो सॉल्व करेंगे कैरोलिन आल्सो ऑल्सो इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टिगेशन बिकॉज ऑफ हर ग्रेट पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब इस इन्वेस्टिगेशन में हरकल पैरेट के साथ साथ कैरेलिन भी है क्योंकि इसकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट है यानी हर सारी छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करती है जानती है समझती है तो इसलिए ये भी हेल्प करवा रही है इस इन्वेस्टिगेशन में शी एड्स फ्यूल टू राल्फ पैटर्न फायर बिकॉज शी ओवर हैड अ कॉन्वर्सेशन विच सजेस्ट ही हैड अ स्ट्रॉग रीजन फॉर वॉन्टिंग हिज स्टेप फादर डेट गांव के सारे लोग बातें बना रहे हैं कि राल्फ पैटर्न ने ही अपने फादर का मर्डर कर दिया है तो गांव की बातें सुन के लोगों की बातें सुन के जो कैरलिन है वो क्या बोलती है कि राल्फ पैटर्न ने ही मर्डर किया है और वो फिर जिस तरीके से अज्यूम करती है ना कि ऐसा हुआ होगा ऐसा हुआ होगा तो इस तरीके से यहाँ पर भी वो ऐसी एजम्पशन यूज़ कर रही है और बता रही है कि हाँ राल्फ पैटर्न ने ही अपने फादर को मारा होगा Caroline is very kind helps पारेट to find out from Ursula बोर्ने that she already married to Ralph. She revealed this to Acroyd Furious asked her to leave. अब देखो यहाँ पे फिर से वो अज्यूम कर रही है लोगों की जो भी गांव में लोग gossip करते हैं उनको सुन सुन के अब वो क्या बोल रही है कि जो पार्लर मेट थी रोजर एकड की उर्सुना ने उसने राल्फ पैटर्न से सीक्रेटली शादी कर ली है और ये बात रोजर एकड को पता चल गई थी तो इसलिए उर्सुना बोर्ने को उन्होंने काम से निकाल दिया तो यहाँ पे ये रीज़न दे रहे हैं पर हमें नहीं पता कि रियल रीज़न क्या है कि पार्लर मेड ने अपनी जॉब को क्यों छोड़ा ठीक है क्योंकि जो रियलिटी है वो हमें रोजर एक्रॉइड से पता चलता है बट ही इज़ डेड नाउ तो हमें नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ है और ये जो बात है कि शादी की सच्चाई पता चल गई इसलिए रोजर एकड ने गुस्से में उर्सुना बोनने को निकाल दिया तो ये बात सिर्फ गाँव के लोगों की अफवाह है और कुछ भी नहीं As the truth emerges, it becomes clear that Ralph and Flora had only agreed to their engagement because they were both in need of money, keeping ए happy to support them. अब देखो हमने जब पढ़ा कि इन दोनों की एंगेजमेंट करा दी गई थी और उस एंगेजमेंट के सेलिब्रेशन में शैपर्ड को भी इन्वाइट किया गया था तो वहाँ पे जो एंगेजमेंट हुई थी उन दोनों को आपस में प्यार नहीं था बिल्कुल भी उन्होंने सिर्फ रोजर एक्रॉयड को खुश करने के लिए ही आपस में शादी करी थी क्योंकि उन दोनों को ही पैसों की बहुत ज़्यादा जरूरत थी ठीक है तो इन दोनों ने पैसों के चक्कर में आके ही एंगेजमेंट को किया राल्फ पैटर्न थिंक्स ही विल ब्रेक द एंगेजमेंट लेटर बट ही वॉज प्रिपेयर फॉर एक््रॉयड सरप्राइज अनाउंसमेंट ऑफ इस एंगेजमेंट विद फ्लोरा देखो राल्फ पैटर्न ने एंगेजमेंट तो कर ली फ्लोरा के साथ लेकिन उसको कुछ प्यार व्यार नहीं है सिर्फ पैसे के लिए किया और वो क्या सोच रहा था कि बाद में वो फिर इस एंगेजमेंट को तोड़ देगा फ्लोरा के साथ केस प्रोग्रेस वॉइस हर्ड इन द ए्रॉयड्स रूम फ्लोरा इज सस्पेक्टेड बिकॉज शी केम अराउंड दैट टाइम बट सोन इट बिकम्स क्लियर दैट इट वॉज नॉट ट्रू अब देखो यहाँ पे जो फोर्टी पाउंडस की चोरी हुई थी एक्रॉयड के रूम में से वो किसने किया वो फ्लोरा ने किया ठीक है Pirate seems to be sharing all the information with Doctor Shepherd. He kept a few secrets to himself, had been keeping plenty of secrets, of which Pirate gradually becomes aware. अब देखो ये जो इनका murder mystery है इसमें कौन कौन involve है पहला तो Doctor Shepherd और दूसरे हरकिल Pirate और तीसरा Caroline Shepherd ठीक है ये तीनों है अब यहाँ पे main जो है वो हरकिल Pirate है और यहाँ पे जो Doctor Shepherd है वो assistant है यानी इनकी help कर रहे हैं ठीक है सारी जानकारी को इकट्ठा करने में पर यहाँ पे डॉक्टर शैपट जो वो क्या करते हैं सारी सच्चाई ना बता के उनको थोड़ी थोड़ी सच्चाई बताते हैं लेकिन जो हरकिल पायरट है उनको धीरे धीरे खुद ही सारी बातें सारी सच्चाई पता लग जाती है और उनको ये भी पता लग जाता है कि बहुत सारी बातें जो है वो डॉक्टर शैप्ट छुपा रहे हैं हर किल से क्योंकि यहाँ पे ये यह असिस्टेंट है तो उनको सारी बातें बतानी चाहिए ताकि ये जो मर्डर मिस्ट्री है वो जल्दी से रिजॉल्व हो सके लेकिन जो डॉक्टर शेपट है वो सारी बातें छुपा रहे हैं और कुछ कुछ बातें ही बता रहे

मारा है उसका मर्डर किया है और ये बात वो सबको बता देगा इसलिए उसने फिर जो मिसेस फरार थी उन्होंने फिर सुसाइड कर लिया इसी डर से और ब्लैक मेलर कौन था हमारा ये डॉक्टर जेम्स शेपर्ड अभी तक किसी को भी शक नहीं हो रहा था इस पर लेकिन रियल कल्प्रिट कौन है डॉक्टर शेपर्ड अब इन्होंने क्योंकि ये असिस्टेंट थे हरक्यूल पैरट के कोई नहीं जानता था कि कौन है कल्प्रिट कौन दोषी है लेकिन इसने क्या किया ताकि हरक्यूल पैरट और इसकी सिस्टर को पता ना चले कि कौन है दोषी इसने दूसरों के ऊपर शक बनवाया कि जब मर्डर हुआ था रोजर एकड का तो वहाँ पे कोई मिस्टीरियस मैन था या फिर राल्फ पैटर्न ने किया या फिर उर्सुला बोर्ने ने किया तो इसने सब पे शक बनवाया लेकिन खुद को बचाए रखा ताकि इसके ऊपर किसी को शक ना हो ठीक है अब देखो इसकी वजह से दो जाने चलेगी कौन कौन सी पहला तो इसने खुद ही मर्डर कर दिया किसका रोजर एकड का क्योंकि उसके पास लेटर है जिसके अंदर ब्लैक मेलर का नाम है और ब्लैक मेलर कौन है डॉक्टर शेपर्ड तो अगर रोजर पढ़ लेता उस लेटर को तो फिर डॉक्टर शेपर्ड फंसता इसलिए इसने पहले ही रोजर को मरवा दिया और दूसरा जो मिसेस थी उसको ये ब्लैकमेल करा था तो उन्होंने भी डर से कर लिया। बिफोर शी डाइट दर ब्लैकमेलर ही रिटर्न होम आफ्टर डिनर जिस तरीके से अभी हमने देखा कि जैसे ही रोजर ने बताया कि उसके पास लेटर है जिसके अंदर ब्लैकमेलर का नाम है तो इसने तुरंत क्या किया डिनर के बाद जाके उसका मर्डर कर दिया और फिर वापस घर आ गया एंड वेन ही लोन पायरट आस्ट द मर्डर टू रिवील द ट्रूथ अब जब ये सब कुछ मामला थोड़ा शांत हो गया तो फिर जो हरकिल पायरट है उन्होंने सच पूछा कि सच बात क्या है डॉक्टर शैपट से ही गिव्स हेम चॉइस टू गो पुलिस और कमिट सुड फॉर द सेक ऑफ ए सिस्टर अब हार्किल पायरट ने उसको दो चॉइस दिए या तो वो पुलिस के पास जाके सब कुछ कन्फेस्ट कर ले और या फिर खुद ही सुइसाइड कर ले किसके लिए अपनी सिस्टर के लिए क्योंकि फिर देखो समाज में बातें बनाते हैं ना लोग किसके भाई ने तो मर्डर किया इसका भाई मर्डरर था तो ऐसी कुछ बात ना हो इसलिए जो हरक्यूल पारेट है उन्होंने उसको दो ऑप्शंस दिए कि किसी एक को चूज करे या तो सुसाइड करे या फिर पुलिस के पास जाए देन डॉक्टर चूजेज द लेटर ऑप्शन एंड राइट द फाइनल चैप्टर ऑफ द बुक विच serves एज बोथ इन एपेलॉग एंड his कन्फेशन तो फिर जो डॉक्टर शेपर्ड है उन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज किया कौन सा सुइसाइड करने का और फिर उन्होंने सुइसाइड करने से पहले इस नॉवल को हमें नारेट करके सुनाया और ये जो पूरा नॉवल है इसको हमें एक तरीके से कन्फेशन भी मानते हैं और पूरी एक एंडिंग भी मानते हैं एपेलॉग भी मानते हैं राइट तो यहाँ तक तो हमारी पूरी नॉवल थी जिसमें हमने अच्छे से कहानी को समझा जाना किस तरीके से मर्डर हुआ फिर उसको किस तरीके से हमने सॉल्व किया ठीक है अब हम चलते हैं थीम्स की तरफ फर्स्ट है द डेंजर ऑफ सीक्रेट्स राइट देखो सीक्रेट्स हर किसी ने छुपाया मतलब जो जो इसमें इन्वॉल्व था जो जो इसको रिजॉल्व करा था ठीक है डिटेक्ट करा था कौन कौन हरकिल पायरट और दूसरा डॉक्टर शपट जो कि उसके असिस्टेंट थे तो इन दोनों ने ही सीक्रेट छुपा के रखे जो असिस्टेंट है उसको तो बता ही देना चाहिए क्योंकि हरकिल पायरेट तो मेन है वो डिटेक्टिव है तो वो तो चलो रखेंगे ठीक है जो भी सीक्रेट्स उनको नहीं बताएंगे लेकिन जो असिस्टेंट हैं यानी डॉक्टर शेप उनको बता देना चाहिए जो भी सीक्रेट्स उन्होंने छुपाए और क्यों छुपाए ताकि वो ना फंसे नेक्स्ट है हमारा मर्डर ऑफ मैनर्स जी यहाँ पे मर्डर बहुत अच्छी तरीके से किया गया है बिल्कुल मिस्टीरियस तरीके से कुछ भी नहीं पता लगा एक भी सबूत नहीं छोड़ा गया बल्कि दूसरों पर शक बनवाया गया नेक्स्ट है हमारा डिटेक्शन एंड इंटेलेक्ट यस जो हरक्यूल पायरेट है बहुत अच्छे ही डिटेक्टिव हैं तो इसमें तो हम हरक्यूल पायरेट को इंक्लूड करेंगे ही नेक्स्ट है हमारा गॉसिप एंड स्मॉल टाउन लाइफ कि किस तरीके से लोग बातें बना रहे थे अफवाहें फैले जा रही थी वो भी झूठी झूठी बातें हमें ये भी नहीं पता कि क्या बात सच थी क्या बात झूठी थी और स्मॉल टाउन लाइफ या फिर ये जो गॉसिपिंग है वो तो हर जगह ही small town होती है स्मॉल टाउन में ज़्यादा होती है क्योंकि वो लोग आपस में एक दूसरे को ही देखते रहते हैं ताक झाक करते रहते हैं और जहाँ पे शहर होते हैं वहाँ पे लोग खुद से मतलब रखते हैं राइट तो गॉसिपिंग कम होती है स्मॉल टाउन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे इसी के साथ हमारा ये पूरा नॉवल अच्छी तरीके से ख़त्म हो गया और आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया हो मेन कैरेक्टर्स वगैरह और पूरी कहानी सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड अंडरस्टूड दिस वीडियो वेरी वेल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल सो दैट दे केन गेट हेल्प फ्राम इट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टिल वे मीट इन द नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग